हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम लोग फिर से आ चुके हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के एक न्यू फ्रेश वीडियो लेकर। तो आई होप आप लोगों का आज का जो वीडियो हो देखने में मजा आएगा। अगर मजा आया तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। और अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हो, मेरे वॉइस न्यू सुन रहे हो, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके पास जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर दो, ताकि मैं जब भी ऐसे इंटरेस्टिंग गेम प्ले वीडियो डालूं आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक प्यारी सी इंट्रो के साथ। तो गाइज, आप लोग सोच रहे हो कि मैं ये कौन सी जगह पे हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, मस्त एक पॉन्ट के सामने मैं खड़ा हूँ और ये नज़ारा भाई मस्त लग रहा है। और आप लोग सोच रहे होगे कि मैं भाई इधर पे क्यों हूँ, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है। तो गाइज, टैंटरन, आज मैं फिर से आप लोगों को एक सरप्राइज़ दिखाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, दिल थाम के बैठ जाइए गाइज। और ये रहा हमारा नया घर। गाइज सही पकड़े, इस लोकेशन पे हम लोग एक घर बना लिया, क्योंकि गाइज ये जो लोकेशन है ना भाई, बहुत ही प्यारा लोकेशन है। इधर पे तो फिलहाल जंगल वगैरह था, मैं सब कुछ तोड़ फोड़ के ये घर बनाया भाई। बहुत ही प्यारा लोकेशन है, आप लोगों को मैं एक बार दिखा देता हूँ ये घर अंदर से। देख सकते हो बहुत ही बड़ा घर है, और मैंने इसमें कुछ किया नहीं अभी, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने ही सब कुछ करना चाहता था, बस घर बनाना था। तो सिंपल सा घर बना, कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं है, नॉर्मली घर है। लेकिन गाइस ये जो लोकेशन है ना, बहुत ही मस्त लोकेशन है, बहुत ही मज़ा आया मुझे ये लोकेशन। तो इस लोकेशन पर इसलिए मैंने घर बना लिया गाइस, और एक बारी में बड़ा करके ही बनाया, क्योंकि भाई तोड़ फोड़ के फिर से बनाऊँ उससे अच्छा भाई एक बारी में बन जाए। तो गाइस ये घर बनाने में तो टाइम लगा, इसलिए भाई इस जो मेहनत है, इस मेहनत के लिए भाई एक लाइक तो प्लीज़ यार कर देना। और उसके बाद आज हम लोग करने वाले पैट्रॉन का सवारी। और हाँ, आप लोगों ने सही पकड़ा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लेवल अप करके पैट्रॉन का सैडल बनाऊंगा। और गाइज आप लोग देख सकते हो मेरा लेवल है 55। गाइज 55 लेवल तक मैंने प्रोग्रेस कर लिया, और 888, वाह भाई क्या नंबर है भाई, 888 पॉइंट मेरे पास अभी जमा हुआ है। और मैंने कुछ भी अनलॉक नहीं किया लास्ट वीडियो पे, जो जो अनलॉक था वही सब अनलॉक है, बाकी भाई सब लॉक चीज़ है, क्योंकि मैं सब कुछ तुम लोगों के साथ ही करने वाला हूँ, अनलॉक वगैरह सब कुछ। तो भाई अभी हम लोग सिंपल सा जो पैट्रॉन का सैडल है वो बनाने वाले हैं। तो पैट्रॉन का सैडल एक बार मैं देख लेता हूँ, शायद से 38 लेवल पे होगा ना। यस गाइस, 38 लेवल पे ये किधर है, ये रहा पैट्रॉन का जो सैडल है वो अब मैंने अनलॉक कर लिया। अभी इसके लिए जो जो चीज़ चाहिए वो पहले मैं देख लेता हूँ मेरे पास है या नहीं है। तो गाइज मेरे पास सबसे पहले 75 क्रिटिन या चीटिन चाहिए, 125 फाइबर चाहिए, और 230 हाइट चाहिए। तो देख लेते हैं गाइज पहले है या नहीं है। ओके, तो गाइज इसमें भाई भर के सामान है भाई, सच बता रहा हूँ भाई। हाइट तो फिलहाल के लिए हाइट नहीं है क्या मेरे पास? ओके, क्रिटिन चिटिन भी नहीं है गाइज, हाइट भी नहीं है, तो दोनों चीज़ें चाहिए मुझे। और पैट्रॉन को आप लोग देख सकते हो इधर पे मैंने रखा है, कितने लेवल का पैट्रॉन गाइज ये है, लेवल कितना दिखाता है। ओके, लेवल 186 लेवल का भाई पैट्रॉन मैंने टेम किया था, मतलब मैंने टेम किया था शायद से 130 के आसपास कुछ टेम किया था, और उसका लेवल अप होकर 186 पैट्रॉन का लेवल हो चुका है। तो इसको मैं निकालूंगा, उससे पहले गाइज मैंने इसका सैडल बना लेता हूँ। और ओके, तो गाइज बहुत टाइम के बाद भाई बहुत मेहनत लगा भाई ये क्रिटिन चिटिन मतलब कलेक्ट करने में, भाई बहुत दूर दूर तक गया भाई। आप लोगों को मैं मैप में एक बार दिखा देता हूँ भाई, देख सकते हो इतना सारा, मतलब इस साइड पे गया था जिस साइड पे मैं अभी देख रहा हूँ, इस साइड पे गया था भाई, और कितना एरिया भाई एक्सप्लोर कर लिया भाई उसके बाद भाई मिला, और पूरा दौड़ दौड़ के किया। तो क्योंकि मेरे पास कोई भी डायनो नहीं है, और मोसासोर में भाई क्या ही जाए, तो इस चक्कर में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं ये कट कर दूंगा ये पार्ट। सो गाइस अभी देख सकते हो मेरे पास सारा कुछ सामान है, और मैं अभी बनाने वाला हूँ पैट्रॉन का सैडल। और इसके बाद गाइस मैं घूमने जाने वाला हूँ पैट्रॉन को लेके, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं जो आज बॉल्बोसॉक्स बॉल्बोसॉरस ऐसा कुछ नाम था उस डायनो का, तो
वो डायनो अगर मिले तो फिर मैं उसको टेम करने की भी कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए गाइस ये थोड़ा कचरा क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस अभी देखो मैं जो सामान था सब कुछ रख दिया, बस थोड़ा सा मीट रख दिया स्पैटरडॉन के लिए। अभी देखते हैं ये कितना लेवल हुआ है। आई होप लेवल अप हुआ है इसके शायद से। ओके लेवल अप तो आया है गाइस। सबसे पहले गाइस मैं इसका ना सैडल इसको पहना देता हूँ, और देख सकते हो 13 लेवल आ चुका है गाइस। इसका ना वेट बढ़ा देते हैं, पूरा से वेट बढ़ाते हैं, और 2 स्टेमिना में डाला है पॉइंट, क्योंकि भाई यही ज़रूरी है फिलहाल के लिए। तो ओके गाइस अभी देख सकते हो मैं पैटाडॉन के सैडल बना के उसमें बैठ चुका हूँ। तो चलो ऊपर एक बार जाके देखते हैं भाई क्या रेड रेड मौसम हो रहा है, और मेरा पैटर्न भी भाई रेड कलर का, भाई क्या लग रहा है भाई। ये देख सकते हो पूरा मैप भाई साहब, कितना बड़ा मैप है भाई, पूरा तो सही से दिख भी नहीं रहा है। और ऊपर चलते हैं। ओके अभी दिख रहा है भाई उस कॉर्नर से, भाई देख सकते हो स्नो वाला एरिया, उसके बाद इस साइड पे शायद से ये जो बीकन दिख रहा है उस साइड पे शायद से रेड वुड एरिया है, और भाई इस साइड पे भी रेड वुड एरिया है क्या, कुछ अलग ही दिख रहा है। ये जो पीछे ब्लैक ब्लैक टाइप का दिख रहा है उधर पे, पता नहीं कौन सा जोन है वो। उसके बाद सैंड बायोम है भाई, और ये तो ग्रीन जो फॉरेस्ट बायोम है वो तो है ही भाई। तो पूरा एक्सप्लोर करेंगे इस जर्नी पे, और देखेंगे कि क्या क्या डायनो है इस मैप में, क्योंकि इस मैप में भाई जो जो चुनिंदा डायनो है वो तो हम लोगों ने देख ही लिया। तो बाकी गाइस ये जो मछली इधर पे फंसा है ना, इसके बारे में आप लोग कमेंट में बताना कि इसको हम लोग टेम कर सकते हैं क्या, और इसका क्या प्रोसेस है, ये इधर पे क्यों फंस गया गाइस। तो अभी गाइस देखते हैं आसपास थोड़ा सा घूम लेते हैं, ये जो मैं जिस एरिया पे हूँ ना इस एरिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हो जो फॉरेस्ट एरिया है, ताकि कोई नया डायनो मिले तो उसको मैं टेम कर पाऊँ। सो लेट्स गो, देखते हैं ये इधर पे एक ड्रॉप गिर रहा है या नहीं, गिरा हुआ है। इस ड्रॉप को पहले तो भाई कलेक्ट कर लेते हो, और इस साइड पे ही दिखा था ना वो डायनो। हाँ इस साइड पे ही तो दिखा था गाइज, लेकिन अभी नहीं दिख रहा है। बैठ जा। ओके इसमें तो सब बेकार का सामान ही है, बस जो जो काम का वो ले लेता हूँ, बाकी तो गाइज सब बेकार ही है। पानी का थैली रख लेते हैं बस, और तो बाकी सब बेकार है, तो इसको मैं फेंक देता हूँ सब चीज़ों को इधर पे। ओके और गाइस रात भी होने वाला है, रात होने से पहले मुझे ना आसपास थोड़ा सा घूमना है। ओ भाई शार्को कितना लेवल का है, शार्को शार्को भी एक टेम करना है ना, 55 लेवल का शार्को भाई सब। इधर पे और एक शार्को है, कितने का है ये, कितने का है दिख नहीं रहा है भाई साहब। बहुत दिक्कत हो रहा है गाइस, इसका जो सुंड है ये सुंड आ रहा है। ओके अभी दिख जाएगा, किधर गया ये रहा। 25 लेवल का गाइस, मैं हाई लेवल का टेम करना चाहता हूँ, और तुम लोग भाई गेम वाले क्या चाहते क्या हो भाई, इतना कम कम लेवल का क्यों दिखा रहे सॉरी गाइस। ओके ये साइड देख भाई, दो दो है भाई सब, कौन सा हाई लेवल है इसका, कितना है 55, ये कितने का है 20 लेवल का भाई। तो इसको मैं टेम करने की कोशिश करता हूँ, इसका देखते हैं एक बार सैडल है क्या। ओके एक बार देख लेते हैं इसका ना सैडल है एक्चुअली या फिर नहीं है। इसका सैडल नहीं, ऐसे कुछ नाम था ना इसका, सेकंड फिर से कहीं चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसका सैडल रहेगा तो ही पकड़ेंगे, नहीं तो भाई इसके टेम करके क्या फायदा। ओके मैं प्रोनाउंस गलत लिख रहा था। ओके ये देख सकते हो इसका सैडल तो है गाइस, तो इसको ओ भाई मेटल चाहिए इसके लिए। वैसे मैं इसको टेम करके रख सकता हूँ, तो उससे पहले ना मेरे को ट्रंक एरो जो है वो अनलॉक करना पड़ेगा। वो तो अनलॉक है, एरो भी अनलॉक है, ट्रंक एरो अनलॉक करते हैं जल्दी से।
ओके ये रहा, ओके ट्रंक करो भी अनलॉक की है। सही है। क्रॉसबो अभी नहीं बना सकते क्योंकि उसके लिए फोर्ज वगैरह चाहिए और मेटल का लोकेशन अभी मुझे पता नहीं है एक्चुअली। तो गाइस एक काम करते हैं, ये जो डाइनो है ना 55 लेवल का, इसको ना सॉरी गाइस इसको टेम करने की कोशिश करते हैं। मैं रात में पूरा प्रोग्रेस कर लेता हूँ, सुबह होने दो उतने टाइम में मेरा प्रोग्रेस हो जाएगा, ट्रैप ट्रैप जो बनाना है वो बना लेते, उसके बाद इसको फंसाते और डट भी बना लेते ट्रंकर वगैरह। तो लेट्स गो, मैं मिलता हूँ सुबह पूरी तैयारी के साथ, लेट्स गो। तो गाइस मैंने फाइनली जो ट्रैप वगैरह सब बना लिया और सुबह होने वाला है, तो मैं जल्दी से पहुँचता हूँ उस लोकेशन पर जिधर से मतलब इसको ट्रैप करना है एक्चुअली। और ये लोकेशन तो यही है, बस अभी डायनो को ढूंढना है और डायनो भी शायद से हाजिर है सामने ही। ये क्या ट्रैप होने के लिए, ये 50 पे, हाँ ये ट्रैप होने के लिए भी इधर पे घूम रहा है। ठीक है गाइस मैंने एक काम करता हूँ, इधर पे जल्दी से एक ट्रैप बनाता हूँ, उसके बाद उसको ना बुलाते इधर पे। आई होप ट्रैप काम कर जाए, बस धोखा ना मिले। ओके इसमें फंस जाएगा लग रहा है मेरे को, बाकी कंफर्म नहीं है क्योंकि पहली बारी मैं, एक सेकेंड, एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ, छ ही तो, अबे मैंने 8 बनाया था। अबे हट बे छी भाई, जल्दी से जाके और दो मतलब बनाना ही पड़ेगा अभी, फटाफट इधर ही बना लेते घर पे क्या ही जाए। पता नहीं उसके लिए रिसोर्सेस है क्या, दो ही बनाना है ना। ओके कितना बनेगा, ओ भाई सब दो ही बन जाएगा। ओके ऑलराइट, जल्दी से बना लेते, रिसोर्सेस था तो अच्छी बात है ये एक्चुअली। ओके एंड देन ओके, अभी मुझे फ्लोर सेट करना पड़ेगा, ये जो रूफ है वो रूफ सेट करना पड़ेगा क्योंकि रूफ के ज़रिए ये ऊपर आएगा। अबे मैं सेट क्यों नहीं कर पा रहा। ओके ये रहा, ओके ये हो गया, ये हो गया, ये इधर से आएगा और इधर पे ना फंस जाएगा ऐसा मेरे को लग रहा है, अभी कंफर्म नहीं हूँ, अगर हो जाए तो फिर भाई टेम कर लेंगे। ओके गाइस अभी ना इसको मैं लेके आता हूँ इधर पे, आ जाओ तू, मारते मारते आ जा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मेरे को भी दिक्कत नहीं है, पेट्रोल रन को भी दिक्कत नहीं है, तू मार ले कितना मारना है मार ले भाई, 27 का ही डैमेज है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके फंसा या नहीं फंसा, ओके फंसा है शायद से, शायद से फंस गया गाइस, मैं एक्चुअली कंफर्म नहीं हूँ तो मैं ना इसको थोड़ा दूर रख के आता हूँ भाई, मैं एक्चुअली कंफर्म नहीं हूँ कि अब फंसा या नहीं फंसा। ओके मैं ना ट्रंक एरो नहीं लगाया था, ओके ट्रंक एरो लगाया, ओके इसके ऊपर से यूज़ नहीं कर सकता ना, तो इधर पे डायर है, ये शायद से फंस गया, तो जल्दी से मेरे को करना पड़ेगा जो करना है। नहीं आ पाएगा गाइस, ओके डैमेज कर रहा है भाई साहब, जल्दी से गाइस, ये अगर छूट गया ना मेरा ऐसी तैसी कर देगा। और थोड़ा सा गाइस हो जाएगा, बस ये वाल ना टूटे ना, तो फिर मैं इसको आराम से कर लूंगा। वे बेहोश हो जा, कितना है 55 भी लेवल का तो है भाई साहब, क्या डैमेज दे रहा है। ओके भागने की कोशिश कर रहा है अभी,
भागने की कोशिश कर रहा है गाइस। टॉर पर चढ़ गया गाइस। होने ही वाला है, कभी भी बेहोश हो सकता है ये। ओके गाइस, बेहोश हो चुका है फाइनली। लेट्स गो गाइस, फाइनली मैंने इसको बेहोश कर दिया गाइस। ओके भाई साहब, क्या खतरनाक लगता है ये। क्या मीट खाता है क्या? एक्चुअली शायद से मीट ही खाएगा ये, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ खाने वाला है नहीं शायद से। तो अभी ना पहले तो भाई टैंकर लगा देते हैं भाई। इसके लिए तो मीट मैंने लेके आया हूँ भाई। कितना डैमेज किया देखना है मेरे को। वाल कितना डैमेज हुआ भाई? ओनली भाई 10,000 का वो हेल्थ रहता है वाल का भाई। सही है। ओके गाइस, ये इसका टॉर्पर क्या चल रहा है? टॉर्पर का ओके, टॉर्पर ठीक ठाक है। तो गाइस अभी ना फाइनली इसको मैंने बेहोश तो कर दिया, अभी इसको थोड़ा सा भूखा होने देते हैं। उसके बाद गाइस इसको टेम करेंगे गाइस फाइनली। भाई नया डाइनो भाई, मज़ा आ गया इसको भाई टेम करके भाई। ओके गाइस, भूखा हो गया, इसको खाना खिला देते हैं और ये टेमिंग। एक सेकेंड, ये गाइस खा नहीं रहा है, क्या खाएगा? ये बेरीज खाता है क्या गाइस? अबे हद दे, ये बेरीज खाता है शायद से। जल्दी से बेरीज लेना पड़ेगा, जल्दी से गाइस बेरीज लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा, अभी टेम हो जाएगा, लेकिन बेरीज कलेक्ट करना पड़ेगा पहले तो इसको टेम करने के लिए। ओके हो गया सफिशेंस है बेरीज जितना है अभी। ये क्या, मैं सोचा था ये मांस खाता है गाइस। ये तो मेरे को भाई कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन कर रहा है ये भाई साहब। ये तो बेरीज खाता है, लॉल बेरीज ही खाता है ना, या फिर कुछ और ही खाता है तू? एक सेकंड गाइस, ये क्या खाता क्या ये? ना ये कर क्या खाता ये? ये क्या, ये खाएगा क्या बोलते उसको? अरे क्या बोलते उसको, फिश मीट खाएगा क्या ये? फिर तो लग जाएगा गाइस, फिर तो लग जाएगा गाइस फिश मीट अगर खाएगा तो। फिश मीट खाएगा तो फिर तो बहुत दिक्कत है भाई। अभी मैं अगर मीट लेने गया और ये गायब हो गया तो फिर तो और भी दिक्कत है, क्योंकि मेरे को पता है फिश मीट किधर मिलेगा। बस मैं जल्दी से जाके लेके आता हूँ, बस ये गायब ना हो। इधर ये आसपास ही है मेरे बेस के लोकेशन के आसपास, जो वो जो बड़ा सा फिश, हाँ ये रहा है। मैं सोचा था भाई किधर गया, गायब हो गया क्या? इसके पास से फिश मीट मिलता है, ये पता नहीं क्या सीन है इसका। उस टाइम पे मिला था, आप लोगों ने देखा ही होगा स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था। बस इसके मुंह के सामने नहीं जाना है, क्या पता ये मार दे। और ये बहुत तेज भाई धारता है, तो वो भी दिक्कत है। भूख भी लग गया मेरे को। ओ भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये डैमेज दिया क्या मेरे को? नहीं नहीं नहीं, डैमेज नहीं दिया इसने, इसका ही ब्लड निकला भाई। फिश मीट मिल गया गाइस। ओके मैं पहले भाई खाना खा लेता हूँ, मेरे को खाने की सख्त ज़रूरत है। और इसको क्या फिश मीट चाहिए क्या भाई? अभी उधर पे रहेगा ना, मज़ा आ जाएगा। बस गायब नहीं होना भाई, क्योंकि आर्क का ये ग्लिच है भाई। तुम अगर किसी को टेम करके चले जाओगे ना दूर भाई, ये गायब हो जाता है डायनो। बस गायब होगा ना मेरा मूड खराब हो जाएगा भाई, सच बता रहा हूँ। ये रहा ट्रैप, और गायब शायद से नहीं हुआ है। ओके नहीं हुआ है गायब। लेट्स गो, इसको भाई फिश मीट देता है। इसके लिए क्या फिश मीट? तो फिर भाई महंगा पड़ गया मेरे को ये। ओके यस गाइस, ये फिश मीट खा रहा है भाई साहब यार। इसके लिए फिश मीट की दर से अभी लेके आए। ओके टेम हो चुका है गाइस ये। इसका भी मैं नाम अभी फिलहाल के लिए नहीं रख रहा हूँ। और ये भाई फिश मीट खाता है, ये थोड़ा सा मतलब दिक्कत की बात हो सकता है मेरे लिए फिलहाल के लिए। गाइस इसको ऐसे ही मैं बेस पे लेके जाऊँगा क्रायो करके, पोकीबॉल में लेके। और इसके सैडल बना के देखता हूँ, बेस पे पहले पहुँचते इसको लेके, उसके बाद सैडल बना के इसको चला के देखते। ओ नहीं गाइस, इसके लिए तो मेटल चाहिए, तो सैडल गाइस नेक्स्ट वीडियो में बनेगा। इसको मैं चला के नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन गाइस मैंने इस जो डाइनो है इसको टैप, मतलब टैप बोल लो, टेम कर लिया गाइस। तो मैं इसको एक बार बाहर निकल के आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई। इधर पे ना थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का दिख रहा है। ओके
ये फिश मीट खाता है भाई, दिक्कत। अरे यार क्या हो रहा है, दिक्कत है गाइस, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। ये देख सकते हो, ये रहा गाइस डाइनो, इसको टेम कर लिया फाइनली। तो इसके लिए एक मेल नाम सजेस्ट करना, क्योंकि ये मेल डाइनो है, तो इसके लिए एक अच्छा सा मेल नाम सजेस्ट करना। तो आई होप आप लोगों को जो आज का वीडियो है वो देखने में मज़ा आया। अगर मज़ा आया तो प्लीज़ यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोग ऐसे इंटरेस्टिंग गेम प्ले वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके पास जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे सिलेक्ट कर लो। ऐसे अतरंगी अतरंगी डायनासोर पकड़ने वाला वीडियो इस चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूँ, और भी मज़ेदार वीडियो भी अपलोड करता रहता हूँ। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना याद से। और चलो गाइस मिलता है नेक्स्ट किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।